Hello everyone, we are going to discuss a problem at the LeetCode platform. This is Rotting Oranges. And let's read out the statement. So you are given an M cross N grid where each cell can have one of three values, zero representing an empty cell, one representing a fresh orange, or two representing a rotten orange. Every minute, any fresh orange that is four directionally adjacent to a rotten orange becomes rotten. Return the minimum number of minutes that must elapse until no cell has a fresh orange. If this is impossible, return minus one. So what it is asking, like examples hum samajhte hain. Let's say ki mere paas ye input grid hai. Aur is input grid pe hume work karna hai. Aur is input grid pe humse ye kaha gaya hai ki two ka meaning hai ki rotten orange, one ka meaning hai ki wo fresh orange hai, aur zero means there is no orange there. So let's say कि हमने एक सेल एक ग्रिड बना लिया, ये 3x3 की ग्रिड है, यहाँ पे ये वैल्यू 2 है और ये 1 है और ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है. तो हमें ये पता करना है कि कितने मिनट्स में ये सारे के सारे जो ऑरेंजेस जो 1 हमें दिख रहे हैं वो सारे रॉटन हो जाएंगे, इसका मतलब हम उसको 2 कर देंगे. और बात फोर डायमेंशनलिटी की बात कही जा रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर टू हमारे किसी सेल में है तो उसके ऊपर वाला ऑरेंज, उसके नीचे वाला ऑरेंज, उसके राइट वाला ऑरेंज और उसके लेफ्ट वाला ऑरेंज एक मिनट में रॉटन हो जाएगा, खराब हो जाएगा. और हमें यह पता करना है कि सारे ऑरेंजेस कितनी देर में खराब हो जाएंगे या कितनी देर में रॉटन हो जाएंगे. सो सबसे पहली चीज, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं कि इसके पीछे क्या इंट्यूशन हो सकता है. सो इस सेल में अभी हमें दिख रहा है कि जो टू नंबर गिवन है किसी सेल को वो जीरो रो और जीरो कॉलम में गिवन है. लेकिन ये जरूरी नहीं कि जीरो रो और जीरो कॉलम में हमेशा हो, ये किसी भी रो और किसी भी कॉलम में हो सकता है. इसकी संख्या जरूरी नहीं कि एक हो, रॉटन ऑरेंजेस की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है. तो इसका मीनिंग ये है कि हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे ये रॉटन ऑरेंज हो सकते हैं, तो इसलिए हमें सारी पॉसिबिलिटीज का इंक्लूजन करना होगा. और इंक्लूजन के साथ साथ हम उसको रॉटन करते चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनिमम एफर्ट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका हो सकता है, क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन करना है तो हमें एक क्यू की जरूरत पड़ेगी. सो लेट्स टेक अ क्यू और इस क्यू में हम रो एंड कॉलम नंबर्स डालेंगे. अच्छा, इसी के साथ साथ हम एक स्टेटस भी मेंटेन कर लेते हैं, एक स्टेटस वेक्टर या स्टेटस ग्रिड मेंटेन कर लेते हैं. और ये स्टेटस ग्रिड में हर पोजीशन पे माइनस वन है. माइनस वन मुझे ये बताता है कि ये वाला जो सेल है वो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ. तो हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे इन सेल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. नाउ अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्यू में जो पहला रॉटन ऑरेंज है उसका कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, इसका मतलब कि जीरो जीरो डाल देते हैं, जीरो नंबर रो एंड जीरो नंबर कॉलम. इसके बाद हम क्या करते हैं कि जीरो नंबर जीरो जीरो सेल में जो स्टेटस वाला हमारा सेल है, लेट्स से इसका नाम स्टेटस है, यहाँ पे जीरो सेट कर देते हैं. जीरो का मतलब क्या है कि ये मेरा इनिशियल इनिशियल स्टेज है जहाँ पे कोई भी ऑरेंजेस रॉटन नहीं है. इसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं जीरो जीरो को क्यू से और उसके एडजेसेंट देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस हैं. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम राइट की तरफ देखेंगे, ये राइट की तरफ है सेल, इसका यहाँ पे वन है, इसका मतलब इसको रॉटन किया जा सकता है. सो हम इसको रॉटन कर देते हैं और ये जो सेल हमारा है वो 01 नंबर सेल है जिसको अभी हमने रॉटन किया है. और इसका जो स्टेटस है 01 वाले का वो 00 से एक ज्यादा सेट कर देते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट मिनट की एक्टिविटी है. सिमिलरली 00 से डाउन की तरफ एक तो फ्रेश ऑरेंज है ये वाला, इसको भी हम 2 कर देते हैं और इससे हमें 10 रो कॉलम मिलेगा. और 10 रो कॉलम में भी हम 1 कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट मिनट में ही ऐसा हो रहा है, 0 से नेक्स्ट मिनट में जस्ट. इसके बाद फिर हम 01 को डिलीट करते हैं और 01 सेल मेरा ये वाला सेल है जिसको मैं रीराइट कर रहा हूँ. और इसके एडजेसेंट तीन हमें सेल्स मिल रहे हैं, एक लेफ्ट में, एक इसके राइट में और एक इसके डाउन साइड में. तो जो इसके लेफ्ट में है वो ऑलरेडी 2 है, इसको रॉटन दोबारा नहीं करेंगे. इसके राइट में 1 है, मतलब ये वाला, इसको हम रॉटन कर सकते हैं, इसको रॉटन कर दीजिए. और ये सेल है 02, इसको क्यू में इंक्लूड कर लेते हैं. और 02 नंबर जो सेल है उसमें हम 2 वैल्यू सेट करेंगे, 2 वैल्यू से सेट करेंगे क्योंकि 01 में पहुंचने में एक एफर्ट लगा था तो 02 में पहुंचने में 2 एफर्ट लगेगा. इसी तरह से इसका जो डाउन वाला सेल है उसको हम देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू -1 है स्टेटस में, तो इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं.
तो लेट से हमने इसको इंक्लूड किया, दिस इज वन वन सेल, और इस सेल को रॉटन होने में जो टाइम लगेगा वो 2 लगेगा, क्योंकि इसका ये भी नेक्स्ट मिनट में हो रहा है, इसका मतलब कि 0 1 के जस्ट नेक्स्ट मिनट में, 0 1 में 1 एफर्ट लग रहा है, तो इसमें एक ज्यादा उससे एफर्ट लगेगा। इसके बाद हम 1 0 को डिलीट करते हैं, 1 0 मेरा ये वाला सेल है, और 1 0 में ऑलरेडी 2 हो चुका है, इसके राइट में भी ऑलरेडी 2 हो चुका है, जस्ट अभी ए में भूल गया था प्रीवियस स्टेप में, यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 हो चुका है, इसके ऊपर ऑलरेडी 2 है और इसके नीचे 0 है, 0 का मतलब कि यहाँ पे ऑरेंज है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इससे कोई भी पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन नहीं हो रहा है। इसके बाद हम 0 2 को डिलीट करते हैं, और 0 2 मेरा कौन सा सेल है, ये वाला, तो 0 2 के आप लेफ्ट में देखेंगे ऑलरेडी 2 है, इसके नीचे 0 है, कोई ऑरेंज नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। फिर हम 1 1 को डिलीट करते हैं, जो 1 1 सेल है वो बिल्कुल मिड सेल है, 1 1 के नीचे वाला जो सेल है वो हमारा टारगेट सेल है, जहाँ पे 1 वैल्यू लिखी गई, ये पहले से एक्सप्लोर भी नहीं है, स्टेटस में आप देख सकते हैं, तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, 2 + 1 3 टाइम पे, या टाइम नंबर 3 पे, या टाइम मूवमेंट 3 पे ये रॉटन हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू हम 2 कर देते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब कि 2 1 कोऑर्डिनेट हम क्यू में इंक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी सेल हमारा टारगेट सेल नहीं है, लेफ्ट में ऑलरेडी 2 है, राइट में कोई भी ऑरेंज नहीं है, और ऊपर ऑलरेडी 2 है, तो इसलिए इसको इसका इंक्लूजन नहीं होगा। फिर हम 2 1 को डिलीट करते हैं, और 2 1 के राइट में देखते हैं, 2 1 के राइट में 1 है, और 1 का स्टेट मैंने 2 1 का जो स्टेटस, 2 2 का जो स्टेटस है, या सेल नंबर 2 2 का, उसका स्टेटस -1 है, इसलिए इसको हम अपडेट कर सकते हैं, इसका स्टेटस 4 कर देते हैं। 4 हमने क्यों किया कि 2 1 का जो स्टेटस था, मतलब कि 3, इससे एक ज्यादा हमने यहाँ सेट कर दिया, तो इस ये एक नई पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन है, इसलिए हमने 2 2 2 क्यू में इंक्लूड कर दिया। जैसे हम इस 2 2 सेल में पहुंचे, इसका मतलब है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी हम वेट कर लेते हैं, 2 2 को फिर से डिलीट करते हैं। अच्छा, एक काम मैं भूल गया था कि इसको 2 सेट करना था। अब हम 2 2 को डिलीट करते हैं, 2 2 के लेफ्ट में 2 ऑलरेडी है, 2 2 के ऊपर 0 है, इसका मतलब क्या है कि इसको अपडेट करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा क्यू एम्प्टी हो गया, और जैसे क्यू एम्प्टी हुआ, ये जो सेल या ये जो स्टेटस वाला ग्रिड आपने बनाया है, उसमें जो 4 नंबर है वो हाईएस्ट नंबर है, इसका मतलब क्या है कि 4 टाइम लगेगा सभी ऑरेंजेस को रॉटन होने में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इन्हीं के लीड कोड से ही, और जिससे कि आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एंड दिस इज द एग्जाम्पल जिसमें ग्रिड कहा जा रहा है कि 2 1 1 है, एंड देन 0 1 1 है, एंड देन ग्रिड है 1 0 1। सो आइए इसको पहले ग्रिड को फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस इज द ग्रिड, एंड इन दिस ग्रिड लेट्स पुट द वैल्यूज। सो दिस इज 2 1 1, देन 0 1 1, 1 0 1, और ये मार्क कर लेते हैं इसके इंडेक्सेस। सो वैल्यूज 1 0 1 2 इसके इंडेक्स है, और 0 1 2 कॉलम नंबर भी। इसके साथ साथ हमें एक स्टेटस एरे चाहिए, सो एक स्टेटस एरे बना लेते हैं, और स्टेटस एरे में सारे इंडेक्स पे -1 वैल्यू से इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। स्टेटस मुझे बताएगा कि कोई सेल पहले से अपडेटेड तो नहीं है, रॉटन तो नहीं हो गया, और इसमें किसी पर्टिकुलर सेल में जो ऑरेंज है उस पर रॉटन होने में कितना टाइम लगेगा वो भी हम मेंशन करेंगे। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्यू में जो भी हमारा रॉटन ऑरेंज है उसको हम डाल देते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास 0 0 इंडेक्स पे एक रॉटन ऑरेंज है, दिस वन। फिर हमने 0 0 पोजीशन पे जो स्टेटस एरे है वहां पे -1 की जगह 0 लिख दिया, 0 इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये वाला जो सेल है वहीं से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी को। 0 0 को क्यू से डिलीट करते हैं, और देखते हैं कि इसके राइट में, लेफ्ट में, टॉप में और बॉटम में क्या है, क्योंकि लेफ्ट और टॉप पे हम जा ही नहीं सकते, तो हम राइट की तरफ देखते हैं, तो एक 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फ्रेश ऑरेंज है, तो इसको हम ऑलरेडी 2 कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि 0 1 सेल में हम 0 + 1 1 रख देंगे, ये 1 टाइम पे हुआ ऐसी एक्टिविटी, और 0 1 सेल को हम क्यू में डाल देते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन नहीं किया जा सकता। 0 1 को हम डिलीट करते हैं, 0 1 के एडजेसेंट ऑरेंजेस को देखते हैं, तो 0 1 के लेफ्ट में ऑलरेडी 2 है, 0 1 के राइट में ऑलरेडी सॉरी 0 1 के राइट में 1 है, तो इसको हम 2 कर सकते हैं, तो इसका जो टाइम लगा वो इस वाले सेल से एक ज्यादा, मतलब कि 2 लगा, और इस पॉसिबिलिटी को क्यू में हम इंक्लूड भी कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसके नीचे भी 1 है, तो इसको हम 2 कर देते हैं, पहले से एक्सप्लोर भी नहीं है, इसमें भी 2 एफर्ट लगेगा, 1 + 1 एफर्ट लगेगा। सो दिस इज 1 1 सेल।
इसके बाद हम 02 को डिलीट करते हैं और 02 से देखते हैं कि क्या क्या 02 हमारा ये वाला सेल है, इसके लेफ्ट में ऑलरेडी 2 है, इसके राइट हम जा नहीं सकते, नीचे जा सकते हैं, नीचे यहाँ पे 1 वैल्यू लिखी गई है। 1 वैल्यू लिखने का ये मतलब है कि ये फ्रेश ऑरेंज है, तो आइए इसको हम रॉटन कर देते हैं। इसमें जो एफर्ट लगेगा वो 3 लगेगा, 3 इसलिए लगेगा कि लेफ्ट वाला सॉरी इस टूल से हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इससे एक ज्यादा एफर्ट इसमें लगेगा। और कोई पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन यहाँ नहीं किया जा सकता, क्यू से हम क्यू में चूंकि हमने ये वैल्यू ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रेश पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन हम कर रहे हैं। सो दिस इज 127। फिर 11 को डिलीट करते हैं, 11 मतलब ये वाला सेल है हमारा, ये वाला सेल जो कि 2 ऑलरेडी हो चुका है, और लेफ्ट में इसके 0 है, नीचे 0 है, इसके राइट में 2 है और इसके ऊपर भी 2 है, तो कोई भी नई पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन नहीं हो रहा है। अब हम 12 को डिलीट करते हैं, 12 को मतलब कि इसको हम डिलीट करते हैं, इसके लेफ्ट और ऊपर तो कोई भी पॉसिबिलिटी का नहीं किया सकता, लेकिन नीचे एक 1 है जिसको हम 2 कर सकते हैं, सो इसको हम 2 कर देते हैं, और इसमें एफर्ट जो लगेगा वो 3 + 1 = 4 लगेगा, इससे एक ज्यादा एफर्ट लगेगा। इसके बाद इस पॉसिबिलिटी को इंक्लूड कर लेते हैं, सो ये जो पॉसिबिलिटी है दिस इज 2 2 रो नंबर एंड कॉलम नंबर, 2 2 को डिलीट करते हैं और 2 2 से देखते हैं कि क्या कनेक्शंस पॉसिबल है। सो 2 2 के लेफ्ट में 0 है, इसके ऊपर 2 है, तो 0 वाले को हम अपडेट कर नहीं सकते, और क्यू मेरा एम्प्टी हो जाएगा, कोई नई पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन इस केस में नहीं हो रहा है। अगर क्यू एम्प्टी हो रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि एक सेल हमारा ऐसा जो कि 1 रह गया, आप देख सकते हैं कि एक सेल हमारा ऐसा जो कि 1 रह गया, इसका मतलब है कि ये फ्रेश रह गया, इसका मीनिंग ये है कि ये रॉटन नहीं हो पाया, तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, पहले हम इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। हमें क्यू की जरूरत पड़ेगी, और क्यू ऐसी क्यू की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम रो एंड कॉलम नंबर को रख सकें। तो C++ में अगर हम इसका सोल्यूशन बनाएं तो हम एक पेयर के हिसाब से या क्यू ऑफ पेयर बना सकते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों साइमल्टेनियसली रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि मुझे एक 2D एरे चाहिए जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसका जो साइज होगा वो ग्रिड के ही बराबर होगा, और इसका नाम हम स्टेटस देंगे, स्टेटस में सारी वैल्यूज को -1 से इनिशियलाइजेशन करेंगे। क्यू में जो भी इस पहला सेल रॉटन है उसके कोऑर्डिनेट्स को डाल देंगे, तो इसका मतलब कि क्यू का जो इनिशियलाइजेशन होगा उसमें पहली वैल्यू जो हम डालेंगे वो होगा रो एंड कॉलम नंबर ऑफ दी रॉटन ऑरेंज। ऐसा भी हो सकता है कि एक रॉटन ऑरेंज हो, एक ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल रॉटन ऑरेंजेस हो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक इस एक्टिविटी को करेंगे, मतलब कि सेल को डिलीट करेंगे, उसके एडजेसेंट सेल्स को हम देखेंगे कि क्या वो उनका कोऑर्डिनेट 1 है, सॉरी उनकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब फ्रेश ऑरेंज है, तो उसको हम रॉटेन करते चलेंगे। तो ये एक्टिविटी तब तक चलेगी जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। क्यू एम्प्टी होने के बाद हम ये टेस्ट कर लेंगे कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पूरे एरे में, वही हमारा आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सेल है जिसकी वैल्यू 1 ही रह जाती है, तो इसका मतलब कि हम -1 रिटर्न करेंगे। ये इसलिए है कि हम चाहते थे कि सभी रॉटन हो जाए ऑरेंजेस, लेकिन ये वाला ऑरेंज रॉटन नहीं हो पाया क्योंकि किसी भी रॉटन ऑरेंज के संपर्क में ये नहीं आ पाया। तो आइए इसको हम लोग कोड करते हैं। कोड करने के लिए ये राइट हैंड साइड पे मैंने कोड किया हुआ है, यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन में दिस इज द फंक्शन गिवन, और इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि वेक्टर और वेक्टर ग्रिड गिवन है, और मुझे ये नहीं पता कि इस ग्रिड की साइज क्या है, तो मैं इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पता कर लेता हूँ। सो एम इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज से नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, और इसमें कितने कॉलम्स हैं उसमें ग्रिड 0 डॉट साइज मतलब कि किसी भी ग्रिड के साइज को पता कर लें 0 या 1, और इससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि काउंट 0 एंड काउंट 1 की कल्पना की है, ऐसा इसलिए सोचा है हमने कि जब हमें आंसर मिल जाएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने वंस हैं। अगर वंस 0 ही रह गए हैं तो इसका मतलब है कि सारे के सारे ऑर्डर हो गए हैं, और अगर वंस इसमें कुछ पॉजिटिव है 1 है 2 है 3 है तो हम कहेंगे कि ये रॉटन नहीं हो पाया, तो -1 रिटर्न करेंगे अकॉर्डिंगली। एक क्यू ले लेते हैं और एक वेक्टर ले लेते हैं, और जो क्यू हमने लिया है वो पेयर्स का लिया है, तो क्यू ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर 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 इसलिए लिया क्योंकि हमें रो एंड कॉलम नंबर रखना है, इस क्यू का नाम हमने क्यू रखा है। फिर हमने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर डिक्लेयर किया है, कैसे डिक्लेयर करते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर, इसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर इंटीजर टाइप का नाम इसका है स्टेटस, इसमें नंबर ऑफ रोज एम होंगी और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एन होंगे, और इनके सभी के सभी वैल्यूज को आपको -1 इनिशियलाइज करना है, ऐसे हमने वेक्टर ऑफ वेक्टर डिक्लेयर किया। इसके बाद फिर हमने लूप चला के काउंट ऑफ 1 और काउंट ऑफ 2 पता कर लिया है। यहाँ पे
एक नेस्टेड लूप चलेगा क्योंकि ग्रिड है, और अगर ग्रिड आई जे में 1 है तो हमने काउंट 1++ कर लिया है, और अगर 0 है तो हमने सॉरी अगर ये 2 है तो हमने इसको क्यू में इंक्लूड करना है, और साथ ही साथ काउंट ऑफ 2++ कर लिया। इसकी जरूरत पड़ भी सकती है या फिर नहीं, इसके बगैर भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन स्टेटस ऑफ आई जे में हम 0 सेट करेंगे। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीपल इसमें रॉटन ऑरेंजेस हो सकते हैं, तो जहां जहां हमें रॉटन ऑरेंजेस मिला उनके कोऑर्डिनेट्स में स्टेटस अरे में हम 0 सेट कर देते हैं, साथ ही साथ इसके पेयर को मतलब कि रो कॉलम पेयर को हम इंसर्ट कर देते हैं क्यू में, राइट। अगर हमें मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्रिड मिला, ये वाला केस हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, चलिए अभी हम क्या करते हैं एक नया फंक्शन बना लेते हैं जो कि बीएफएस करेगा, क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटीज का इंक्लूजन कर रहे हैं इसलिए हमें बीएफएस ही करना पड़ेगा। तो हमने बीएफएस किया, बीएफएस पे क्या क्या पास किया है, एक ग्रिड पास किया है जो कि हमारा ओरिजिनल ग्रिड गिवन है क्यू जो हमने बनाया अभी, और एक स्टेटस जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो आइए हम बीएफएस फंक्शन में आते हैं, और बीएफएस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रिड आपने एक्सेप्ट किया है वेक्टर बाय वेक्टर, फिर आपके पास एक क्यू है पेयर्स का, और इसके बाद आपने एक स्टेटस एरे लिया, और स्टेटस एरे में जो भी वैल्यूज पास हुई थी वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, एज सच क्यू में भी वही सारी वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो जो रॉटन ऑरेंजेस है उनकी एंट्री ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ से अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये तो लाइन समझ मेरे ख्याल से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने क्या किया कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपने क्यू से एक वैल्यू को डिलीट किया है। सो क्यू से डिलीशन 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले आपने जो फ्रंट वैल्यू है उसको एक पेयर में एक्सेप्ट करा लिया है, और उसके बाद फिर इसको डिलीट कर दिया। मान लेते हैं कि इसका जो रो नंबर है वो आई है और कॉलम नंबर जे है, मतलब कि जो क्यू से डिलीट हुई जो वैल्यू डिलीट हुई है पेयर में है, उस पेयर का फर्स्ट लेंगे तो वो रो हो जाएगा, सेकेंड लेंगे तो वो कॉलम हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने क्या किया, वैसे मैंने प्रिंट कराया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं ये देखूं कि क्यू से किस ऑर्डर में डिलीशन कर रहा है, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये राइट मूव के लिए है, देन इसी तरह से लेफ्ट मूव एंड सो ऑन सो फोर्थ, 4 मूव हमारे होंगे, इसका मतलब कि 4 डायरेक्शन हम देखेंगे। तो राइट मूव देखते हैं, राइट में कॉलम नंबर चेंज होंगे, तो कॉलम नंबर चेंज होने के लिए J+1 हम करना करना पड़ेगा, और J+1 शुड बी लेस देन n, मतलब कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स उससे कम होना चाहिए तभी हम मूव कर पाएंगे। अगर ग्रिड के इस पोजीशन पे 1 है इसका मतलब है कि ये मेरा टारगेट एंट्री है IJ+1 पोजीशन में, एक फ्रेश ऑरेंज है जिसको हम रॉटन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रॉटन तभी करेंगे जबकि स्टेटस में इस पोजीशन पे -1 है। अगर स्टेटस में इस पोजीशन में -1 है तो हम क्या करते हैं कि स्टेटस के इसी पोजीशन पे +1 सेट कर देते हैं स्टेटस ऑफ आई जे से, क्योंकि आई जे वाला हमारा रॉटन एक था, रॉटन ऑरेंज था जो कि क्यू में था, जितने टाइम में हम यहाँ पे पहुंचे हैं रॉटन में उससे एक ज्यादा टाइम में हम पहुंचेंगे इस फ्रेश ऑरेंज को रॉटन करते समय। साथ ही साथ जो ग्रिड हमारा है ओरिजिनल ग्रिड उसमें इसको 2 कर देते हैं, या IJ+1 पोजिशन पे 2 कर देते हैं, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वो ऑरेंज फ्रेश से रॉटन हो गया। साथ ही साथ इसके पेयर को मतलब कि आई और J+1 को हम क्यू में एंट्री करा लेते हैं क्योंकि नई पॉसिबिलिटी का ये इंक्लूजन हुआ है, नया फ्रेश ऑरेंज जो है वो रॉटन में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरा राइट मूव है, इसी तरह से हम लेफ्ट मूव कर सकते हैं। लेफ्ट मूव में कॉलम नंबर डिक्रीज होगा और यहाँ पे J-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि लास्ट जो हमारा कॉलम हो सकता है वो 0 इंडेक्स पे हो सकता है। सेम ये एक्टिविटी हमने यहाँ पे किया है कि अगर इस नई पोजिशन पे -1 है स्टेटस में, इसका मतलब कि अभी इसका इंक्लूजन नहीं हुआ है, यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि ग्रेड आई J-1 पोजिशन पे फ्रेश ऑरेंज है, फ्रेश ऑरेंज है और इसको पहले एक्सप्लोर नहीं भी किया गया है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसका जो स्टेटस है वो आईजे के स्टेटस से एक ज्यादा सेट कर देंगे, साथ ही साथ इसको रॉटन कर देंगे ग्रिड में इसी पोजीशन पे, नई पोजीशन पे IJ-1 पोजीशन पे 2 कर देंगे और इसका इंक्लूजन क्यू में कर लेंगे। सिमिलरली अपवर्ड मूवमेंट के लिए हमारा रो नंबर चेंज होगा, रो नंबर डिक्रीज होगा और सेम एक्टिविटी यहाँ पे होगी जैसे हमने राइट और लेफ्ट में किया, इसी तरह से डाउन में रो नंबर हमारा अपडेट होगा इंक्रीज होगा, और इसी तरीके से हम जो भी नई पॉसिबिलिटी मिलेगी उसका इंक्लूजन क्यू में कर लेंगे। नाउ इसके बाद जब हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो हम इस लूप से बाहर आएंगे। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि क्या ग्रिड की किसी पोजीशन पे 1 तो नहीं रह गया है, अगर ग्रिड की पोजीशन में 1 रह गया है इसका मतलब क्या है कि हम फ्लैग को 1 सेट करके ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्लैग 1 हमें ये बता रहा है कि ग्रिड की किसी पोजिशन पे 1 रह गया। अच्छा किसी पोजिशन पे 1 रह गया इसका मतलब कि वो फ्रेश ऑरेंज रह गया है, ये तभी पॉसिबल है जबकि हम पूरे ग्रिड की एनालिसिस करेंगे, बगैर पूरे ग्रिड के एनालिसिस करने के लग से ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर ग्रिड के आईजे पोजीशन पे 1 है
वन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एम वैल्यू हम ले रहे हैं जो कि मुझे बताएगा कि मैक्सिमम क्या मूव्स रहे हैं या मैक्सिमम कितना टाइम लगा। तो इफ स्टेटस ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन एम, देन एम इज इक्वल्स टू स्टेटस ऑफ आई जे। इसका मीनिंग ये है कि हम एक एम वैल्यू को ले रहे हैं, उसको इनिशलाइज कर रहे हैं जीरो से, ये मूव्स हमें बता रहा है या टाइम हमें बता रहा है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है स्टेटस वाले एरे में वही मेरा आंसर होना चाहिए। फाइनली हमने क्या किया है कि अगर फ्लैग की वैल्यू वन है, इसका मतलब कि कोई एक फ्रेश ऑरेंज रह गया है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर मैक्स, अदरवाइज हम रिटर्न कर रहे हैं एम, जो कि हमारी वैल्यू आई थी मैक्सिमम इन दी स्टेटस एरे। तो बी एफ एस के बाद हम वापस आते हैं इस ऑरेंज और इस वाले फंक्शन में जो हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आप एक बार चेक करें कि अगर काउंट ऑफ टू जीरो है और काउंट ऑफ वन भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई ऑरेंज ऐसा है ही नहीं जिसको हमें रॉटन करना है। तो चूंकि कोई ऐसा ऑरेंज नहीं है जिसको हमें रॉटन करना है, तो हमने रिटर्न जीरो कर दिया, जीरो मूव्स में सारे रॉटन हो गए, हम ऐसा मान रहे हैं। ये वाला फंक्शन ये बता रहा है कि जो बी एफ एस फंक्शन अभी ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो जो भी रिटर्न करता है उसको हमने मूव्स में एक्सेप्ट करा लिया है। अगर मूव्स में इंटीजर मैक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा ऑरेंज है जो कि फ्रेश रह गया, तो माइनस वन रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम मूव्स को रिटर्न कर देते हैं। सो हमारे जो सैम्पल टेस्ट केसेस है, आप देख सकते हैं कि वो एक्सेप्ट हो गए हैं। आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। You can see that all the test cases have got passed. Fine, I hope आपको ये समझ में आया होगा, and you can attempt any of the 2D problem. This actually is a 2D problem of the BFS, or we are applying the BFS in the 2D grid. Thanks for watching this. We will see the similar problems in the subsequent lectures.